आवाम को बुनियादी अशिया खुरनोश में रिलीफ देने के लिए हुकूमत ने एहसास राशन प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत कम आमदनी वाले शहरियों को आटा, घी और दालों में 30% सब्सिडी फराहम की जाएगी और वो भी करीबी किराना स्टोर से। खैबर पख्तूनख्वा में इस सहूलत से 35 लाख खानदान मुस्तफीद हो सकेंगे। शहरी प्रोग्राम में इंदराज कैसे करेंगे ये बताएंगे पेशावर से अबू बकर सिद्दीक। खाने पीने की जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं, घी, आटा और दाल, आप दुकान में जाके इस पे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा के 2 करोड़ से ज्यादा कम आमदनी वाले शहरी एहसास राशन प्रोग्राम से 30% सब्सिडी पर आटा, घी और दालें करीबी करियाना स्टोर से खरीद सकेंगे। मुस्तहिक शहरी एहसास राशन प्रोग्राम की वेबसाइट पर जाएगा और अपना शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर का इंदराज करेगा। जांच पड़ताल के बाद अगर क्वाइफ दुरुस्त पाए गए तो उसे राशन की खरीदारी पर रियायत मिलेगी। शहरियों ने प्रोग्राम पर खुशी का इजहार किया है। हम इससे बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द लॉन्च किया जाए कि हमारी आवाम को इससे फ़ायदा हो। हम यहाँ से सौदा लेते हैं तो हमें वहाँ से सस्ता मिलेगा। दालें वगैरह, चीनी वगैरह जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो अभी भी महंगी हुई हैं। चीनी जैसे 150 रुपये किलो मिल रही है, तो इस पर जितना जल्दी अमल होगा आवाम को रिलीफ मिलेगा। एहसास राशन प्रोग्राम के लिए सूबाई हुकूमत ने 15 अरब रुपये जबकि वफाकी हुकूमत ने 7 अरब रुपये फराहम किए हैं। प्रोग्राम 6 माह तक जारी रहेगा, जिसके तहत शहरी मुख्तस करदा करियाना स्टोर से ख़रीदारी कर सकेंगे। पहली दफ़ा जैसे सेहत कार्ड खैबर पख्तूनख्वा के हर शहरी को मैसर है, वैसे ही ये एहसास कार्ड जो है या एहसास का जो सब्सिडी पैकेज है ये हर मुस्तहिक शख्स को होगा। अगर ये कामयाब हुआ तो इन 6 महीनों के बाद भी इसी सिस्टम का इस्तेमाल हो सकता है। सूबाई हुकूमत के मुताबिक एहसास राशन प्रोग्राम समेत सूबे के अवाम को आटे पर 10 अरब रुपये की सब्सिडी भी दी जा रही है। एहसास राशन प्रोग्राम के लिए करियाना स्टोर का इंतखाब यूनियन काउंसिल की सतह पर किया जाएगा, जबकि हर दुकानदार को प्रोग्राम से आगाही देने के लिए हुकूमत की जानिब से खुसूसी तरबियत दी जाएगी। कैमरामैन फजल हुसैन सैयद और तारिक अली के साथ अबू बकर सिद्दीक, जियो न्यूज़, पेशावर।